नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने चैनल द ट्रैवलिंग जोधपुर पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग नज़ारे एंजॉय करेंगे बाहुबली हिल स्टेशन उदयपुर का। अब जो आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने जनवरी 15 के आसपास में रिकॉर्ड किया था और उस टाइम मैं एक विंटर ट्रिप पे था। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है बाहुबली हिल्स स्टेशन उदयपुर। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विस्तार से बाहुबली हिल्स के बारे में। अगर बात करें तो ये हिल्स उदयपुर शहर में स्थित है। आज के समय में यह हिल पर्यटकों के बीच उदयपुर के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक बन गई है। बाहुबली हिल्स को उदयपुर में बड़ी लेक के नाम से भी जाना जाता है और यह एक आर्टिफिशियल ताजे पानी की झील के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। बाहुबली हिल्स उदयपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह का नाम बड़ी गांव है। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने वर्ष 1652 से 1680 ईस्वी के मध्य में करवाया था। कहा जाता है कि पानी के अकाल के विनाशकारी प्रभावों का मुकाबला करने के लिए इस झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था और यही कारण है कि इस झील को आर्टिफिशियली मीठे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है। और अगर बात करें इस जगह के बारे में तो विशेष रूप से यह जगह उन लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन गई है जो कि प्री वेडिंग शूट की तलाश में रहते हैं। बाहुबली हिल्स से आप अरावली पर्वतमाला के साथ बड़ी झील के 360 डिग्री के दृश्य का भी मजा उठा सकते हैं। महाराणा राज सिंह ने इसका नाम जयन सागर यानी कि अपनी माता जान देवी के नाम पे रखा था। यह झील 155 किलोमीटर के दो क्षेत्रों को कवर करती है और इसका तटबंध 180 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है, जिसे तीन कलात्मक छतरियों द्वारा बनाया गया है। 1973 के सूखे के दौरान इस झील ने उदयपुर के लोगों के लिए पानी की आपूर्ति का काम भी किया था। और फ्रेंड्स, अगर बात करें बाहुबली हिल्स के बारे में तो बड़ी लेक उदयपुर के पास बाहुबली नाम की ये पहाड़ियाँ स्थित है। बड़ी झील हमेशा से सभी उदयपुर के लोगों में और ख़ासकर नौजवानों के बीच आकर्षण का केंद्र रही है, क्योंकि ये झील अरावली पहाड़ियों की भव्यता को निहारने के लिए शहर के प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्रों में से एक है। इस स्थान की खोज हाल ही में उदयपुर वासियों ने की थी और धीरे धीरे ये शहर के युवाओं और पर्यटकों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आई है। यह कुछ अन्य नामों के साथ साथ नागरिकों के बीच यह बड़ी हिल्स के रूप में भी लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि बाहुबली हिल्स का नाम एक गूगल उपयोगकर्ता
के द्वारा सुझाया गया था। अगर आप उदयपुर जाते हैं तो बाहुबली हिल्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में साबित हो सकती है। वैसे फ्रेंड्स, कहा जाता है कि बारिश का मौसम यहाँ पे आने का सबसे सही समय माना जाता है। बाहुबली हिल्स सर्दियों के समय में भी यहाँ पे विजिट करने के लिए आपको हरियाली से ढकी हुई चादर के रूप में पहाड़ियाँ दिखाई देगी, जो कि एक अलग ही अनुभव महसूस करवाएगी। बाहुबली हिल्स फतेह सागर झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाहुबली हिल्स की चोटी तक पहुंचने के लिए दो मार्ग है, एक जो पुराना मार्ग है और दूसरा हाल ही में एक पुल के बगल से बनाया गया मार्ग है। और बाहुबली हिल्स स्टेशन पहुंचने के लिए आप बाइक एवं फोर व्हीलर व्हीकल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बाहुबली हिल्स स्टेशन आने का, तो बाहुबली हिल्स के ऊपर जाने के लिए आपको ट्रैकिंग जैसा एक्सपीरियंस भी यहां पे मिलेगा। इसके साथ ही आप यहां पे प्रकृति के सौंदर्य का आनंद भी उठा सकते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की फोटोग्राफी का आनंद भी आप यहां ले सकते हैं। और यहां पे विजिट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क अदा करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर अब तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर अपने द ट्रैवलिंग जोधपुर को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अब टाइम हो चुका है फ्री के ज्ञान का। फ्रेंड्स, आप अगर अपनी फैमिली या बच्चों के साथ में बाहुबली हिल स्टेशन आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि बाहुबली हिल्स वन क्षेत्र के अंदर स्थित है और यहां पे किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं है।